हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो में आप लोग डिस्कस करने वाला हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, प्राइवेट कॉलेज है उसका प्रेफरेंस कैसे डालेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये है कि रायपुर जो यूनिवर्सिटी में ही कॉलेज है, और यूनिवर्सिटी है तो यहाँ हर चीज़ का फैसिलिटी है, हॉस्टल से लेकर हर चीज़ का फैसिलिटी, रिसर्च है, तो सबसे बेस्ट है कि रायपुर। और उसके बाद अगर बात करें तो बिलासपुर, ये भी पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आता है RMD कार्स, ठीक है, ये अंबिकापुर में है। फिर आता है जगदलपुर और राजनांदगांव, तो यहाँ दोनों कॉलेज में हॉर्टिकल्चर भी जो कॉलेज है वो भी संचालित होते हैं। फिर आता है SK कार्स कवर्धा, तो यहाँ भी अच्छे पढ़ाई की फैसिलिटी है। फिर आता है भाटापारा SK कार्स DK दाऊ कल्याण भाटापारा, ठीक है, यहाँ भी अच्छे फैसिलिटी है, तो आप इसको भी 7वें नंबर प्रेफरेंस डाल सकते हैं। 8वें में है जांजगीर चांपा, और 9वें में है बेमेतरा, और 10वें में है कार्स कोरिया, तो यहाँ अच्छे पढ़ाई होते हैं, तो यहाँ आपको प्रेफरेंस डाल सकते हैं। इसके बाद आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्शन कर रहे हैं तो अपने पास का जो जहाँ आपको पास पड़े उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। अगर ये कॉलेज आपके अगर जो परसेंट है उसके अनुसार अगर नहीं मिल रहा है तब की बात है, क्योंकि बाकी कॉलेजों में क्या है, कई कॉलेजों में ऐसा है कि हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, जिसके वजह से आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, या और कहीं जा रहे कॉलेज का जो फैसिलिटी है वो नहीं है, जिस कारण आपको जो पास का है वो आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा। ठीक है, फिर आता है अगर 11वें नंबर पे आपको रखना है तो रायगढ़ को रख सकते हो, कांकेर को रख सकते हो 12वें नंबर, फिर नारायणपुर हो गया, और ये साजा बेमेतरा, छुई खदान, जसपुर, कोरबा, गराईबंद, और ये मर्रा पठान, और ये कुरुद, ये इस तरह से आप प्रेफरेंस रख सकते हैं कॉलेज का। और ये आपको बता दूं कि जो ये छुई खदान है, ठीक है, जसपुर, कोरबा, गरियाबंद, ये न्यू कॉलेज है तो इनमें ज़्यादा उतना फैसिलिटी नहीं है, तो इनको आप लास्ट में रखिएगा, ठीक है, अगर परसेंट आपका अच्छा है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले है भारती कॉलेज दुर्ग में है, भोरमदेव कॉलेज कवर्धा में है, और जो छत्तीसगढ़ कॉलेज भिलाई में है, और ये अंबिगढ़ चौगढ़, दंतेवाड़ा, महामाया, इसको आप 6वें में रख सकते हो, दमदड़ी में है जो, और MDS अंबिकापुर, ठीक है, MDS जो है ये है, और RMD कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज है, और ये जो है प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, SR कॉलेज राजनांदगांव, ठीक है, ये जो है प्राइवेट कॉलेज है, रायगढ़ है ये भी प्राइवेट कॉलेज है, तो इस तरह से आप सिक्वेंस से आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। ठीक है, अगर प्राइवेट हॉर्टिकल्चर की बात करें तो दंतेश्वरी रायपुर है, ठीक है, गायत्री ये भी धमतरी में है, और RDM कॉलेज ये पेंड्रा रोड में है, और जो कोवा KL कोवा, कोवा मतलब होता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धमतरी, तो ये धमतरी में है, तो इस तरह से आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं कॉलेज का। बाकी आपके जो अगर आपको लगता है कि कॉलेज की अच्छा पढ़ाई वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे एडवाइस रहेगा कि ये जो टॉप 10 आपको बताया गया है, ठीक है, तो इनको चॉइस किया रही, और उसके बाद अगर आपको ऐसा है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो बाकी जो नए कॉलेज हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका कम परसेंट है तो आप कैसे कॉलेज को सिलेक्शन करेंगे, तो वीडियो को नेक्स्ट का वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा कि अगर आपका कम परसेंट है तो किस तरह से आपको कॉलेज का गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन या प्रेफरेंस करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर कोई भी आपको PAT से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।